फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खेम कुमार। आज हमारे सामने भाई होंडाई i20, जिसके तीन पैनल डैमेज है। ये आप देख सकते हो कितने डैमेज है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला डोर, रियर डोर, ये पहले भी रिपेयर किया हुआ है, कितनी ज़्यादा पुट्टी वर्क कर रखे इसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, ये देख सकते हो आप। और साथ में ये वाला डोर भी पूरे में डेंटिंग है और इधर की तरफ से डैमेज है ये वाला। और ये फेंडर जो हमने खोल लिया है, ये भी डैमेज है पूरा। और अगर यही पैनल अगर गाड़ी कंपनी के अंदर जाती तो कोई भी इसको डेंटिंग नहीं करता, पैनल चेंज होने थे, तीनों पैनल चेंज कर देते हैं एजेंसी के अंदर। और हम इन्हीं पैनल को दोबारा से रिपेयर करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ करेंगे, बिल्कुल जेन्युइन पीस बनाएंगे। जो लाइनिंग वगैरह है कम्प्लीट एज इट इज़ रहेगी, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा लाइन के अंदर। और काम कैसा लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे, और क्या कॉस्ट होगी। अगर एजेंसी में होती तो लोगों को पता ही है कि एजेंसी में क्या कॉस्ट होनी थी, फिर भी मैं डिफरेंस बता दूँ दोनों के बीच में कि अगर एजेंसी में काम होता तो क्या रेट होते और हमारे यहाँ पे काम हो रहा है तो क्या प्राइजेज होंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक काम एजेंसी के अंदर ही जेन्युइन होगा, भाई बाहर मार्केट में भी लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में हर एक स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाता है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट। होंडाई की आउटलेट है, मारुति की आउटलेट, हर चीज़ की आउटलेट आजकल ओपनली हो चुकी है। सो अब हम इसके पैनल को कर रहे हैं तैयार, पहले इसके ऊपर होने वाले डेंटिंग का प्रोसेस, इन्हीं पैनल को अच्छे से रेडी करेंगे बिल्कुल। ये देख सकते हो, फेंडर हमने फिट कर दिया डेंटिंग करके, दरवाजे की डेंटिंग हो चुकी है लाइन लेवल बिल्कुल, आप देख सकते हो। पीछे वाले डोर की डेंटिंग अभी चल रही है। और टाइम दिखाऊं क्या हो रहा है भाई, टाइम देख लो, शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8:30, और काम अभी चल रहा है पेंडिंग में भी काम। बाहर का नज़ारा दिखाऊं, बारिश होके आती है, अंधेरा गुप हो रखा है बिल्कुल। अभी फिलहाल गाड़ी के ऊपर हमने पुट्टी वर्क का काम स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हो जहाँ जहाँ पे डेंटिंग थे, माइनर डेंट्स थे, उनको कवर करने के लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए, बिल्कुल इक्वल करने के लिए पुट्टी वर्क का काम किया जाता है। और इसके ऊपर हम जो बॉडी पिलर यूज़ कर रहे हैं वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। कौन से वाला बॉडी पिलर है भाई जो हम इसके ऊपर बॉडी पिलर यूज कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप, वुड्स कंपनी का है, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी है बेस वर्क तैयार करने के लिए गाड़ी का। फाइनली हमने गाड़ी के ऊपर कवरिंग कर दी है मास्किंग करके, ताकि जब भी हम इन पैनल को पेंट करें तो एक्स्ट्रा जो पेंट है, जो एयर के अंदर जो फ्लो होता है, वो और गाड़ी के ऊपर कहीं एक्स्ट्रा पीस के ऊपर ना जाए। जैसे कि टायर हो गए, पीछे की तरफ क्वार्टर पैनल हो गया, पीछे वाला क्वार्टर पैनल का हिस्सा हो गया ऊपर वाला, नीचे एक साइड से रनिंग बोर्ड और अगला टायर, इनको अच्छे से कवरिंग कर दिया है। जहाँ भी पेंट होगा, सिर्फ जिस पैनल के ऊपर हमने पेंट करना है सिर्फ वही पैनल पेंट होंगे। बॉडी पिलर घुस चुके हैं, अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो स्टेप होने वाली है वो एनसी की कवरिंग होने वाली है। फ्रंट बम्पर जो कि दोबारा से रीपेंट होना है, उसको अच्छे से मास्किंग कर रहे हैं बम्पर को। अभी इसके ऊपर हम एनसी पट्टी से कवरिंग कर रहे हैं, एनसी का जो अस्तर डाल रहे हैं ग्रे कलर का। इधर हमारा बम्पर रेडी है मास्किंग करके। फाइनली गाड़ी के ऊपर फाइनल पेंट हो चुका है, देख सकते हो आप, साइन चेक कर सकते हो गाड़ी के ऊपर, फिनिशिंग चेक कर सकते हो, पहले कैसे दरवाजे था और पेंट होने के बाद कहीं से दिख नहीं रहा कि हमने पैनल को रिपेयर किया है। साइन प्रॉपर चेक कर सकते हो आप गाड़ी की। और अभी बम्पर पेंट होना बाकी है, जिस पर अभी मास्किंग चल रही है। तो फाइनली गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट, आप फाइनल लुक देख सकते हो गाड़ी की। फेंडर हमने पेंट कर दिया है, दरवाज़ा हमने तैयार कर दिया है, पिछला दरवाज़ा भी तैयार कर दिया है। ये वाला दरवाज़ा बहुत ज़्यादा डैमेज था, पहले भी इसमें बहुत ज़्यादा पुट्टी वर्क हो रखा था गाड़ी की। आप लाइन लेवर यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल सीधी दिखेगी, बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो आप, बिल्कुल इक्वल। फेंडर कितना ज़्यादा डैमेज था यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल इक्वल।
और साइन चेक कर सकते हो, कलर क्वालिटी चेक कर सकते हो आप। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का भी काम अच्छे से हो तो एक बार हमारे वर्कशॉप पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं आप, ओम मोटर्स धारवेड़ा। सो थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आप चाहते हैं नई वीडियो हमारे किस टॉपिक के ऊपर आए वो भी आप हमें कमेंट करके हमें इनबॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।